तो अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कोई मैग्नेट के बारे में। तो एक कोई अगर मैग्नेट होता है तो देखते होंगे कि ये बार मैग्नेट है, अगर मान लो ये मैग्नेट होता है तो बार मैग्नेट होता है। बार मैग्नेट में अगर देखा जाए तो कितनी दूर तक किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेता है भाई, आयरन को कितने दूर तक अट्रैक्ट करता है, उसका कहां तक फील्ड है, उसका लिमिट कहां तक है, उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि यार यहां पे कुछ होता ही नहीं है तो अट्रैक्ट कैसे कर लेता है, तो ये एक बड़ी सी चीज है। बिना कॉन्टेक्ट किए अगर उसको अट्रैक्ट कर लेता है तो बड़ी सी चीज है ना भाई, वहां पे सोचने की बात है। तो वहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होते हैं, ठीक है। और ये मैग्नेट जो है वो हमेशा क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, इसके अंदर दो पोल्स होते हैं। कभी भी मैग्नेट को कितने पार्ट में कट करोगे तो हमेशा क्या रहेगा, उसके अंदर दो पोल्स रहेंगे और इसके अंदर कुछ लाइन ऑफ फोर्सेस रहेंगी, उसको तो हम डिफाइन करते हैं। लेकिन अभी पहले प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है क्या भाई। ये मैग्नेट है ना, तो ये मैग्नेट देखते होगे, इसको जितना भी मूव कर दो, कितना भी इसे इधर से मैंने स्विच ऑन किया, इसको कितना भी मूव करोगे, ये समझ लो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है। तो ये क्या काम करेंगे, ये भी मूव कर रही है, लेकिन जैसे लास्ट में इसको क्या छोड़ देंगे तो ये फिर से लास्ट में जाते जाते अभी नॉर्थ और साउथ पोल में चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल में ही क्यों चला जाता है मैग्नेट, क्योंकि अर्थ भी हमारी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, इसलिए होता है। लेकिन ये जो लाइन बन रही है ना, एक अच्छा सा स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज बोलते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेज क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है बच्चा, एक मैग्नेट है, मैग्नेट किसी भी चीज़ को, लोहे को या मेटल को अट्रैक्ट करता है, तो कितने दूरी तक अट्रैक्ट करता है उस अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ तक जनरेट होता है। और वहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन फॉर्म होती है एक्चुअली, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेज, और वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्या करती है, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और अट्रैक्ट करती है, आप बोलो। तो बच्चों अभी देखो मैं इसकी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायग्राम है, आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल में भी दिख रहा रहेगा कि ये हमारा बार मैग्नेट है और इसके चारों तरफ यानी कि ये एरिया है, इसी एरिया के अंदर वो किसी भी लोहे के टुकड़े को अट्रैक्ट कर सकती है। ये छोटा छोटा जो आपको सुई दिख रहा है, नीडल दिख रहा है, एक छोटे छोटे लोहे का टुकड़ा है। जैसे मैं यहाँ पे एक बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो मेरे बटन प्रेस करने से क्या हो रहा है, अब नोटिस करो जिधर जा रहा है वो, वहाँ का मैग्नेट क्या हो रहा है, वो सॉरी वहाँ का लोहा क्या हो रहा है, देखो मूव कर रहा है। ये नीडल्स जो हैं वो लोहे के, आयरन के, ये मूव कर रहे हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की एक प्रॉपर्टी है बेटा। जैसे देखो पहली प्रॉपर्टी आप बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो उनका डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ पोल है, उनका डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ पोल है। पहला पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ पोल है। दूसरा पॉइंट, ये क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व्स है, बंद है और कंटिन्यूअस फॉर्म में, यहाँ से गए फिर यहाँ आए, फिर यहाँ से गए फिर यहाँ, ऐसे क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस फॉर्म में। पहला पॉइंट क्या बोला बेटा, नॉर्थ से साउथ की तरफ, सर इसका डायरेक्शन जो होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का वो नॉर्थ से साउथ की तरफ। दूसरा सर, ये क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व्स हैं, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व्स हैं। तीसरी पॉइंट अगर मैं बात करूं तो दे नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, ये आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, देखो पैरेलल एकदम, दे आर पैरेलल लाइन, एक दूसरे के पैरेलल है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये लाइन और दूसरी लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर ले। और चौथा जो पॉइंट है कि दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स, मतलब जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, कहाँ पे वो उनका क्राउड ज़्यादा होगा, देखो ना क्राउड कहाँ पे है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, देखो कितना ज़्यादा है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ना, जहाँ पे पोल है, जहाँ पे पोल है वहाँ पे ज़्यादा क्राउडेड है। तो आप बोलोगे दे आर क्राउडेड नियर द पोल, और वहीं पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे इस प्रैक्टिकल में जहाँ जहाँ पे ये बार का ये जो पोल है हमारा, देखो ये पोल जहाँ जहाँ मूव कर रहा है वहाँ वहाँ के आयरन देखो मूव कर रहे हैं, देखो यहाँ आया ये मूव किया, यहाँ आया देखो ये मूव करने लग गया है ना, वो वाला देखो कॉर्नर की वजह से वहाँ मूव कर रहा है, ये वाले कॉर्नर की वजह से यहाँ मूव कर रहा है। तो इससे क्या पता चला कि दे आर क्राउडेड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्राउडेड नियर द पोल्स, ये हमारा चौथा प्रॉपर्टी। ये चार प्रॉपर्टीज है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो ये चार प्रॉपर्टीज है, मैं चार प्रॉपर्टीज वापस एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। पहला क्या है भाई, दे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज नॉर्थ टू साउथ, डायरेक्शन क्या है नॉर्थ टू साउथ। दूसरा क्या बोलेंगे, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व। तीसरा, दे नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। चौथा, दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग। ओके।